ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट पेश करेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज करनपुर स्थित कोबरा सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर कल माओवादी मुठभेड़ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। माओवादी विरोधी अभियान की समीक्षा के लिए आज शाम रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक होगी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी अब आगामी 4 फरवरी तक की जाएगी। और आयकर विभाग की टीम ने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के राजधानी रायपुर और अंबिकापुर स्थित निवास पर छापामार कार्रवाई की। दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और कोरबा में बिल्डरों और कारोबारियों के यहां भी दी गई दबिश। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मानना है कि विकसित भारत की विशाल संरचना 4 मजबूत स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान, गरीब पर आधारित होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के हर वर्ग और देश के हर हिस्से में स्थिति और लोगों के सपने एक समान हैं और उनकी सरकार ने कर राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा इन स्तंभों को सशक्त बनाने में लगाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्ष में राष्ट्रीय हित में ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिनकी प्रतीक्षा लोग दशकों से कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को इसकी सदियों से आशा थी और यह सपना पूरा हो गया है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर जिले के करनपुर स्थित कोबरा सीआरपीएफ कैंप में माओवादी मुठभेड़ में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि फोर्स के लगातार आगे बढ़ने और पहुंचविहीन इलाकों में कैंप लगाने से माओवादी बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर स्थिति में जवानों के साथ है। श्री साय ने कहा कि प्रदेश में नक्सलियों के विरुद्ध लड़ाई तेज हुई है। सुरक्षा बल के जवान माओवादी चुनौती का बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक विनायक गोयल और लखेश्वर बघेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि कल सुकमा जिले के टेकलगुडेम गांव के पास माओवादियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कल रात राजधानी रायपुर के 2 निजी अस्पतालों में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घायल जवानों का कुशलक्षेम जाना और चिकित्सकों को बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शाम निर्धारित अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में माओवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी अब आगामी 4 फरवरी तक की जाएगी। इस दौरान शासकीय अवकाश के दिन शनिवार और रविवार को भी धान की खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में रिकॉर्ड धान खरीदी के बावजूद किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि राज्य में इस साल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की आज अंतिम तिथि थी। इस बीच प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक 142 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 29,318 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को 4 दिन और बढ़ाए जाने को अपर्याप्त बताया है। उन्होंने राज्य सरकार से 1 मार्च तक धान खरीदी किए जाने की मांग की है। श्री बैज ने कहा है कि अभी भी 5 लाख से अधिक किसान धान नहीं बेच पाए हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए केंद्रीय बजट से राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने शक्तिपीठ परियोजना के तहत प्रदेश की 5 शक्तिपीठों को जोड़ने और विकसित करने तथा राजिम कॉरिडोर के निर्माण सहित प्रखौती मुक्तांगन में कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए भी केन्द्र से सहयोग मांगा। आरंग को अब राजा मोरध्वज नगर के नाम से जाना जाएगा। ये घोषणा संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कल आरंग में राजा मोरध्वज महोत्सव के समापन अवसर पर की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आरंग और आसपास के क्षेत्रों में बिखरे पुरातात्विक अवशेषों को सहेजने के लिए 25 लाख रूपये की लागत से आरंग में संग्रहालय बनाया जाएगा। उन्होंने राजा मोरध्वज महोत्सव को भव्य स्वरूप देने के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये देने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में विधायक गुरू खुशवंत साहिब और अनुज शर्मा उपस्थित थे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने अपनी परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग UPSC की तर्ज पर सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए CGPSC ने भर्ती परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करने के साथ ही राज्य के हर ब्लॉक में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। आयोग ने शासन के सभी विभागों से आगामी 3 वर्षों में भरे जाने वाले रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने आज 4 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। रायपुर ग्रामीण में श्याम नारंग, भिलाई में महेश वर्मा, बालोद में पवन साहू और धमतरी में प्रकाश बैस को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। आयकर विभाग की टीम ने आज पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के राजधानी रायपुर और अंबिकापुर स्थित निवास पर छापामार कार्रवाई की। वहीं दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और कोरबा में बिल्डरों और कारोबारियों के यहां भी दबिश दी है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में सरकार बदलने के बाद आयकर विभाग की यह पहली बड़ी कार्रवाई है। आयकर विभाग की टीम पूर्व मंत्री श्री भगत के रायपुर और अंबिकापुर स्थित निवास में एक साथ पहुंची और जांच शुरू की। श्री भगत का नाम कथित रूप से कस्टम मिलिंग और कोयला घोटाले में सामने आया है। इसी तरह आयकर विभाग ने रायपुर के राजीव नगर स्थित चंद्रभान शेरवानी, ला विस्टा सोसायटी में कारोबारी अमर होरा, तेलीबांधा स्थित संदीप जैन और पप्पू बंसल के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। वहीं भिलाई में बिल्डर अजय चौहान के ऑफिस के अलावा दुर्ग के हनुमंत राइस इंडस्ट्रीज के ठिकानों पर भी जांच की जा रही है। बीजापुर जिले के मार्ग क्षेत्र में ग्रामीण की पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी से मौत हो गई है। भैरमगढ़ के SDOP के अनुसार मारा गया ग्रामीण नक्सली संगठन में सक्रिय था। दूसरी ओर बोड़गा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि उसे फर्जी मुठभेड़ में मारा गया है। इन ग्रामीणों ने भटवाड़ा में शव रखकर आज प्रदर्शन भी किया। लोकसभा चुनाव के पहले दुर्ग पुलिस ने 2 वाहनों से 2,64,00,000 रूपये जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार कल रात भिलाई पुलिस की टीम ने सेक्टर 1 में स्टेट बैंक के पास 2 वाहनों में संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अवैध लेनदेन की सूचना पर यह कार्रवाई की। नारायणपुर जिले के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र अबूझमाड़ से लगे 5 गांव के 195 घरों में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल नारायणपुर के कार्यपालन अभियंता हिलोन कुमार ध्रुव ने बताया कि जिला खनिज न्यास DMF मद से माओवाद प्रभावित ग्राम होड़नार, तिरकानार, बेड़मा, पदनार और तुरुसमेटा में 18 किलोमीटर से अधिक LT लाइन बिछाई गई है। साथ ही सभी गांव में 1-1 ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इससे हर घर बिजली से रोशन हो गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रायपुर सहित अपने विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर संपादकीय कार्यकारी और समाचार वाचक सह अनुवादक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। विवरण news.air.gov.in वैकेंसीज पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। अनुबंध की अवधि 2 वर्ष होगी। आवेदक की आयु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ ही किसी समाचार संगठन में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बांग्लादेश से उत्तर ओडिशा तक ऊपरी हवा में एक द्रोणिका बनी हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त गर्म हवाएं आने के कारण आंशिक रूप से प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरिया जिले में कल से शुरू हो रहे 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर वे 74 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे के बैंगलोर रेल मंडल के पेनुकोंडा जंक्शन, मक्काजीपल्ली स्टेशनों के बीच आवश्यक रखरखाव कार्य के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कोरबा यशवंतपुर कोरबा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। और सूरजपुर जिले के ग्राम चाचीडांड में आज हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट पेश करेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज करनपुर स्थित कोबरा CRPF कैंप पहुंचकर कल माओवादी मुठभेड़ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। माओवादी विरोधी अभियान की समीक्षा के लिए आज शाम रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक होगी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी अब आगामी 4 फरवरी तक की जाएगी। और आयकर विभाग की टीम ने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के राजधानी रायपुर और अंबिकापुर स्थित निवास पर छापामार कार्रवाई की। दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और कोरबा में बिल्डरों और कारोबारियों के यहां भी दी गई दबिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।